से कुछ देर पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने ए टू सी एंटी शिप क्रूज मिसाइल और पाकिस्तान नेवी ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान नेवी ने गुजशत हफ्ते रिबार 2018 जंगी मशकों का आगाज किया था, जिसका बुनियादी मकसद दौरान जंग इंडियन नेवी को काबू करना था। इस सिलसिले में आज इन मशकों के आखिरी दिन लाइव फायरिंग का तजुर्बा किया गया, जिसमें पाकिस्तान नेवी की F-22P जुल्फकार क्लास PNSF ने चीनी साख्ता मिसाइल C-802 का कामयाब तजुर्बा किया है। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी ए टू सी एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान नेवी ने जिस मिसाइल का तजुर्बा किया है, इसके हवाले से आपको बता दूं कि इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड मार्क 1 है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये अपने हदफ की जानिब प्रवास करते हुए सतह समंदर से सिर्फ 5 से 7 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करता है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। इस मिसाइल को फाइटर जेट, सरफेस शिप्स, सबमरीन और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस ए टू सी एंटी शिप मिसाइल का तजुर्बा किया है, इसकी तफसीलात फिलहाल दस्तयाब नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की वेपन इन्वेंट्री में देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 2 एंटी शिप मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें C-802 और CM-400 शामिल हैं। C-802 की रेंज 120 किलोमीटर है, जबकि CM-400 की रेंज 250 से 400 किलोमीटर है। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने C-802 एंटी शिप मिसाइल का ही तजुर्बा किया है। अगर इसके अलावा कोई नया मिसाइल टेस्ट किया गया है तो इस पर वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड में इस मिसाइल तजुर्बे की वीडियो शामिल है, वो आपने जरूर देखनी है। अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुमाली बहरे अरब में पाक बहरे और पाक फजाई ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की फायरिंग का मुजाहरा किया है। फिजाइल फायरिंग का ये मुजाहरा बहरी मस्त रबात के फजा पर आ गया। इसी बार मजीद जाने के नुमाइंदा अब्दुल फजाल नौरीन से फजाल मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, आज पाक बहरिया ने शुमाली पहले अरब में पाक बहरिया और पाक फजाया का लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया है, और ये मुजाहरा बहरी मस्त रबात के इख्तिताम पर किया गया। इस हवाले से पाक बहरिया की जानिब से जारी बयान में ये बताया गया है कि मिसाइल जी 1700 एयरक्राफ्ट और पाक बहरिया के F-22 ठीक है, बहुत शुक्रिया।